हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इट इज फॉलिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो होता है और y ग्रेटर देन जीरो होता है, और हम थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, तो इट इज फॉलिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एंड थीटा हमने लिखा था पाई माइनस अल्फा, वेयर पाई वॉज, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड अल्फा इज दैट एंगल, ठीक है। अभी क्या है, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो इट इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो, हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। इसको मैं अभी आपको एक और चीज इसके बारे में बताऊंगा, इसीलिए स्टार लगाया मैंने। एंड इफ z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, x greater than 0, y less than 0, and theta is equals to, हम लोगों ने लिखा था 2 pi minus alpha, right? इसको भी हम star लगा देते हैं। Now, अब मैंने इनको star क्यों लगाया है, ये बड़ी important चीज है समझने वाली। हमारे पास क्या होता है, हम लोग जब भी argument की बात करते हैं या amplitude की बात करते हैं ना, तो हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल्स लेते हैं बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। वैसे तो हम लोग जो एंगल लेते हैं वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लेते हैं, लेकिन वी ऑलवेज कंसीडर द स्मॉलेस्ट एंगल। तो जब हम स्मॉलेस्ट एंगल की बात कर रहे हैं, तो वी कंसीडर दैट स्मॉलेस्ट एंगल फ्रॉम माइनस 180 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री। कहां से? माइनस 180 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री। तो अब देखे बेटा, यहां पे अगर आपको याद हो, जब हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन देखी थी, राइट, तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी क्वाड्रेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट लाइक दिस, ये ठीक, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो पॉइंट पी है यहां पे, ये किसको डिफाइन कर रहा है? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये इसको डिफाइन कर रहा है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। हमने ये भी सीखा था कि ये जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है टुवर्ड्स दिस, दिस इज अल्फा, जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। लेकिन हमने ये भी साथ में सीखा था कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है लाइन, ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है ये थीटा बना रही है, यानी ये जो ब्लू आर्क है वो थीटा है और जो ब्लैक आर्क है वो अल्फा है। एम आई राइट? ये बात आप सबको क्लियर है ना? ओके, बट अगर हम लोग यहां पे देखें, तो दिस एंगल इज, दिस होल ऑफ दिस एंगल टिल हियर इज 180 डिग्री। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉल कर रहा है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो आप देखेंगे कि उसका जो आर्गुमेंट है वो पाई प्लस अल्फा, यानी 180 प्लस अल्फा है। इट मींस इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एम आई राइट? लेकिन हम लोग ना ये मान के चलते हैं कि हमने जब भी आर्गुमेंट लेना है, वी हैव टू टेक दिस आर्गुमेंट लेस देन 180 डिग्री, वी हैव टू टेक इट टिल एन लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री तो लेस देन लेना, बट ये तो ऑलरेडी 180 से बड़ा जा रहा है, तो अब हम करेंगे क्या? नो, लुक एट द थिंग वेरी वेरी केयरफुली। आप यहां पे देखें बेटा, अगर मैं इस एंगल को इस तरफ से ले लूं फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इधर से देख लू ना, यहां से ऐसे, तो ये एंगल है माइनस पाई। यस, जब मैं इसको ऊपर वाली साइड से देखता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, बट जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लूंगा, तो ये नेगेटिव ऑफ एंगल लिया जाएगा। तो दैट मींस दिस इज नेगेटिव ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पाई।
अब मैंने क्या किया, मैं जब यहां से यहां तक आया तो नेगेटिव ऑफ पाए और वापस इधर आता हूं तो अल्फा ऐड कर देता हूं, यानी मैं इसी सेम एंगल को इधर से देखता हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं इधर से देखता हूं तो इट इज पाई प्लस अल्फा यानी 180 प्लस अल्फा, लेकिन अगर मैं इधर से देखता हूं तो इट इज माइनस 180 प्लस अल्फा, इट इज माइनस 180 प्लस अल्फा। तो यानी मैं इसी को थीटा को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। क्या लिख सकता हूं इसको, माइनस पाई प्लस अल्फा, और थीटा इज इक्वल्स टू लिखा जाता है अल्फा माइनस पाई। ये इसका क्या आ गया, हम इन जनरल हम इसको लेके चलते हैं, क्या हम इसको मानते हैं कि इसका आर्गुमेंट है अल्फा माइनस पाई। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम लोग एंगल को 180 डिग्री से छोटा रखेंगे, इसीलिए हम लोगों ने इसको कहां से लिया, वी हैव टेकन द नेगेटिव एंगल यानी 180 डिग्री। अब 180 माइनस 180 डिग्री, अब माइनस 180 डिग्री में अगर आप कोई भी चीज ऐड करोगे प्लस करोगे तो वो माइनस 180 से छोटा ही हो जाएगा, है ना, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों के पास ये आ जाएगा माइनस 180 प्लस अल्फा जब हम इधर पहुंचेंगे, और जब ये माइनस 180 प्लस अल्फा आ जाएगा तो इसी को हम लोग अल्फा माइनस पाई लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अब सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पे दैट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप देखें बेटा कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको फिर से इसी तरह से बात कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट्स होल ऑफ द एंगल हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं। चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी, अभी देखना, ये इसके लिए अल्फा है ना अल्फा, लेकिन अगर इसी अल्फा को मैं इधर से देखूं इस तरफ से देखूं तो यही बन जाएगा माइनस अल्फा, यही हमारे पास अगर हम इसका क्या देखें, इसका अगर हम लोग थीटा देखें तो दिस थीटा इज माइनस अल्फा, इसीलिए जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इट इज माइनस अल्फा। अब हमारे पास ये बात बनी, क्या बात बनी, कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज टेकन एज अल्फा माइनस पाई, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज टेकन एज यस माइनस अल्फा। ठीक है, क्विक जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, फिर मैं इसके आगे आपसे और बात करता हूं, जल्दी जल्दी। क्विक सा जल्दी से नोट कर लें इसको। तो चलिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के ऊपर। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं और इसने हमें बोला है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको ना बड़े ध्यान से एक बार देखिएगा, चीजें बड़ी इजी हैं, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की। ए में हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा, हमें फाइंड आउट करना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कैसे, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। याद रखिएगा ये आयोटा जब लेते हैं आयोटा मॉडुलस में नहीं लिया जाता है, ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आयोटा को मॉडुलस में लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सिर्फ उसका रियल पार्ट 3 और ये इमेजिनरी पार्ट 3, सिर्फ यही पार्ट लेना होता है। ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, एंड फाइनली मॉड ऑफ z को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 रूट 2। क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा ना 3, एंड 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज स्क्वायर रूट ही लिखा जाएगा, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 रूट 2। दिस इज नंबर 1, पहला काम हो गया, मैं मॉडुलस निकालना था। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y क्या है 3, x क्या है 3। हम इसको मॉडुलस में लेके चलते हैं, उसका एक रीजन है
उसका ये रीजन है कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा ना रहे, हम इसको मानते हैं कि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये कट गया, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। अच्छा, अब ये जो टेन इनवर्स वन है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा एंगल है टेन का जिसकी वैल्यू जो होती है वन आती है, ठीक है। तो डेट एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, डेट एंगल इज 45 डिग्री। लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको यहां पे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई पाई बाय फोर? तो आप याद रखें बेटा, हम लोगों ने पाई को क्या लिया था, पाई इज 180 डिग्री, तो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 90 डिग्री इज हाफ ऑफ दिस पाई अपॉन टू, 60 डिग्री इज वन थर्ड ऑफ दिस तो पाई बाय थ्री, 45 डिग्री इज वन फोर्थ ऑफ दिस तो इट इज पाई बाय फोर, एंड 30 डिग्री इज 1/6 ऑफ 180 तो पाई बाय सिक्स, 15 डिग्री इज 1/12 ऑफ दिस तो ये पाई बाय 12 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट आउट दीज एंगल्स। तो हम लोग 180 पाई बाय 4 लिखेंगे, किसको, 45 डिग्री को। यहां तक हम पहुंच गए। नाउ द थर्ड थिंग इज, अब क्या है, हम यहां लिखेंगे सिंस, ये टेबल का ध्यान रखेंगे, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो y is greater than zero, है ना, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय फोर, तो देयरफॉर आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। बस यहां पे हमारी बात हो गई खत्म, इतनी सी थी हमारी बात, राइट। चलें पहले एक पार्ट और करूंगा आपके लिए, फिर मैं आपसे बात पूछूंगा कि आपको मेरी बात समझ भी आई कि नहीं आई, क्या मैं ऐसे किल्लाता जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी नेक्स्ट में आप मुझे बताएंगे बेटा कि ये चीज कैसे करेंगे। ओके, नाउ इफ यू सी, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बी पार्ट। बी पार्ट में z इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 2i मॉड ऑफ z लेते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z इज रूट ऑफ 12 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा पुत्र, ये बन जाएगा रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 अगर बना तो मॉड ऑफ जेड बच्चे क्या बन गया, 4। तो ये हमारा पहला काम तो हो गया खत्म, है ना, इजी है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें चेक क्या करना है, हमें आर्गुमेंट चेक करना है, तो हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1/√3 है तो इसको हम लिखेंगे 1/√3, ठीक। अब हमें ध्यान देना है कि ये 1/√3 जो है ये कौन सा एंगल होता है टेन का जिसकी वैल्यू 1/√3 आती है, तो डेट इज पाई बाय 6, 30 डिग्री। तो अल्फा हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, सेकंड स्टेप खत्म हो गया, है ना, जब हमने अल्फा निकाला। थर्ड स्टेप पे हमें चेक करना है ये टेबल, अभी क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहां पे देखें, सिंस हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 y इज लेस देन 0, वाह ये वाली ऑप्शन आ गई, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा और इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6, तो देयरफॉर आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस। शाबाश, तो करेंगे जी इसको फटाफट से नोट, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछेंगे अभी के अभी।
होपफुली आपने नोट कर लिया होगा अभी तक ये। चले जी आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके दीजिए मुझे, मैं देखूं आपको बात क्लियर हुई भी है कि नहीं। Find the modulus and argument of the complex number Z is equals to -1/2 iota। जल्दी से मुझे इसका आर्गुमेंट एंड क्या दीजिए, आर्गुमेंट एंड इसका मुझे मॉडल्स दीजिए फटाफट से। देखते हैं आप मुझे सबसे पहले मुझे कौन आंसर देता है। लेट अस सी दैट। चलिए जी देखिए आप लोगों ने मुझे मॉडल्स तो बिल्कुल सही बताया। मॉडल्स ऑफ जेड इज √2/2 राइट। अब देखिए फॉर आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये 1/2 सेम है ये कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। यहां तक तो होगी हमारी बात खत्म। यस ठीक है। नाउ अगर हम लोग आगे देखें बेटा तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई है बट हेयर एक्स इज लेस देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। देयरफॉर अच्छा अल्फा टेन इनवर्स 1 तो आ गया बट अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू π/4। तो कुछ हद तक पार्थ बिल्कुल ठीक था ठीक है, लेकिन अब हम इसे आगे की बात करेंगे। हेयर एक्स इज लेस देन 0 वाई इज greater than 0, therefore x lies in where x lies in z lies in second quadrant right।
और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय फोर, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 3π/4, और 3π/4 एक्चुअल में क्या होता है, 3π/4 इज 135 डिग्री, दिस इज द आंसर फॉर अस, सो थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4, राइट। तो आई होप इसको आज आप अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे, और जहां कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम आएगी आस्क मी, आई विल बी सेंडिंग यू द होमवर्क एज वेल, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट टुडे, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गिविंग वेरी गुड टेस्ट, ईच वन ऑफ यू हैव गिवन मी वेरी गुड टेस्ट, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो आज हमने किया ना, ये सबसे मुश्किल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आपको ये समझ आ गया समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आगे, ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, जय हिंद।